साल हमेशा सलमान भाई की फिल्म आती है ईद के ऊपर, तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि जब जन्नत की कुछ एल्बम्स आ रही तो हमारा यही इसमें ही था कि अब से जन्नत की कोई ईद में इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई एक एल्बम आया करेगी, और क्योंकि उनकी फिल्म आती है भाई की तो अब जन्नत की एक एल्बम आनी चाहिए। तो इस बार भी इंशाल्लाह एक एल्बम जन्नत की अभी एक कल रिलीज़ होने वाली है 6 को, और एक 10 को है, फिर एक 15 को है, तो ये तीनों ईद के मौके पर। हाँ, बहुत अच्छी ईदी दे रही है अपने फैंस को। हमने लुक भी देखा कुछ काजल, थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ शूट हुआ, बाहर कहीं शूट हुआ? बहुत मेहनत से किया बिकॉज इतनी ठंड थी वहाँ पर, और मतलब ऐसे काप भी नहीं रहे थे, वो ऐट जाती है ना स्किन, जो हाथ पैर सुन हो जाते हैं, फील नहीं होता आपको कुछ, उस हमने सिचुएशन में किया है। ठंडे ठंडे मतलब वो गिर रहे थे, बर्फ़ नहीं, वो क्या होता है रेडी ओले, हाँ उन सिचुएशन में हमने शूट किया है। और सबसे बड़ी बात, मैं इतने घंटे फ्लाइट में बैठ के वहाँ गई और मुझे फ्लाइट का इतना डर है, तो वो मेरा सबसे बड़ा टास्क रहा। तो प्लीज़ इसको बहुत प्यार दें। फिर जो 10th को एल्बम आ रही है तेरे बिन कीवे रवांगी, हाँ द हैशटैग तेरे बिन कीवे रवांगी, वो हमने दुबई में शूट किया और हमने उसमें बहुत मस्ती की बिकॉज हम सब गए थे शूट करने के लिए और बहुत मज़ा आया, बिल्कुल लगा नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम मस्ती मस्ती में शूट कर लिए। और जो 14th या 15th अभी डेट फाइनल नहीं है, जो एल्बम आ रही है उसका नाम तो मुंबई में शूट किया है, सबको पसंद आएगी। जैसा डैड ने बोला कि जैसे सलमान भाई ईद पर फिर लाते हैं, वैसे आप ईदी लेकर आ रही, तो अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? पूरा हफ्ता ईदी रहे। हाँ, तो बस वही कि देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने से मैं ईदी प्रिपेयर कर रही थी, अब जाके प्रिपेयर हुई है और अब रिलीज होगी ईदी, बहुत सारी ईदी, तो वही रिटर्न में आप भी मुझे कुछ ऐसे ईदी दें, जाके सॉन्ग देखें और लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें, और एक व्यू और एक बहुत अच्छा सा कमेंट। हाँ, एक व्यू नहीं एक नहीं, एक तो बनता है ना, एक से ज्यादा, बाकी का दिल कितने भी देते हैं। हमने भी देखा आपने वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ वीडियो बनाया था। हाँ जी बिल्कुल, हमारा इंडिया है भाई सबसे पहले देश है, किसी का वीडियो बनाओ ना बनाओ, वर्ल्ड कप का वीडियो तो बनना ही था, और इतनी मेहनत कभी टिकटॉक की वीडियो में नहीं की। हाँ, इतनी मेहनत, मतलब मैं रोड के बीच में डिवाइडर पे खड़े होके तक मैंने उसका शॉट दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड कि वो 15 सेकेंड हो, लेकिन क्योंकि वो देश के लिए तो उसमें यू नो वेरिएशन चाहिए, और रिस्की शॉट्स भी लेना बनता है यार, तो सड़क के बीच में, बाकी कभी मैंने किसी कभी ट्राई नहीं किया ये सब सड़क के बीच में जाके। आई थिंक ये पूरा टीम वर्क था, आपने देखा होगा मेरे पीछे कितने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया डांस करके, और किसी एक का आइडिया नहीं था, कम से कम ये 10 लोगों का, एक वीडियो के पीछे वो 10 लोगों का दिमाग था, और लोगों ने अलग अलग प्रॉप्स तैयार किए, और हम लोग पूरा गए यहाँ से, हाँ जी हम फिर यहाँ से गए अलग जगह, फिर एक जगह मुझे बोला यहाँ, मैंने कहा वहाँ तो बहुत ट्रैफिक था, मैं यहाँ नहीं खड़ी हो पाऊँगी, फिर कहीं दूर जाना पड़ा जहाँ पे थोड़े कम लोग हों, और फिर ऑफ कोर्स पूरा कैमरा सेटअप, पूरा जो शूट कर रहे थे वो तो आई थिंक, हाँ जी फिर मैंने चैलेंज भी किया, ये तो कोई और चैलेंज लोग एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो करना चाहिए। और उसमें एक ऐसा भी है कि जो नहीं दिख रहा है, मतलब कि क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत था हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बहुत ट्रैफिक था, तो वहाँ से शिफ्ट करें हम लोग दूसरी लोकेशन पे गए, तो उसमें एक जगह जहाँ पे बहुत ट्रैफिक था जो शूट किया था हम लोगों ने, और वो तो है भी नहीं उसमें। हाँ, वेरिएशंस लिए थे।